हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आता है अंडर पॉलिटी। तो हम यहाँ पे पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम अप्रैल फर्स्ट से सारे जो 100 डेज 100 टॉपिक्स को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो अप्रैल फर्स्ट को हमने अपलोड किया था मार्च मंथ का फुल करंट अफेयर्स। अप्रैल सेकेंड को हमने अपलोड किया था जो लास्ट वीक था मंडे टू संडे वाला, उसमें जो वीकली करंट अफेयर्स था हमने उसे अपलोड किया था। अब आज है अप्रैल थर्ड और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। तो हम अब जो है जितने भी पॉलिटी के टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो पहले हमारा आ रहा है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है पॉलिटी के अंडर, वो है मेकिंग एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसको आज कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर PYQ हो, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नेम्स, हम इन सब को यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पे MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस भी हैं, तो अगर आप वो करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और साथ में लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी है, एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए और आपको गैस करना या फिर बताना है कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन को या नहीं, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस, ठीक है। आगे का जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बेसिक, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, फॉर डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे हम 1946 में, तो इस टाइम पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग हुई थी और उसके बाद सेकेंड सिटिंग हुई थी इन 14 अगस्त 1947 फॉर डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इंडिया की ही रहेगी, यानी हमारी सेल्फ गवर्नमेंट रहेगी, बट जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशंस और एक्सटर्नल अफेयर, ये सारी जो हैं ये सारा कौन देखेगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगा। तो ये होता है डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, बट आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये जो डोमिनियन ऑफ इंडिया है इसे चेंज करके रिपब्लिक ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी कि अब हमारे पास पूरे राइट्स इंडिया के पास ही, ठीक है। तो हमारा एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रिपब्लिक ऑफ इंडिया आ गया। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको बनाने के लिए जो फर्स्ट पर्सन थे सजेस्ट किया था किसने, M.N. रॉय ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट में M.N. रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट द आइडिया ऑफ स्टैब्लिशिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। तो 1934 में फर्स्ट टाइम M.N. रॉय ने सजेस्ट किया था टू स्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके बाद फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने डिमांड की थी इन 1935, ठीक है। तो 34 में इन्होंने सजेस्ट किया, फिर 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सजेस्ट किया, ठीक है। इस पूरे को पढ़ने के बाद मैं आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताऊँगी, तो आप देखते जाइए सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 26, 1949 एंड इट वेंट इन टू अफेक्ट ऑन January 26, 1950। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई इसने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अप्रूव किया, November 26, 1949 को, और इसको अफेक्ट में लाया गया ऑन January 26, 1950। तो इसी दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट किसने सजेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, और ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब सजेस्ट किया ये आपको याद रखना है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम कब अप्रूव किया गया और इसे इफेक्ट में कब लाया गया, ये सब है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि
व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 26, 1949। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज बैग ऑफ बोरोइंग एज इट हैज़ बोरोड प्रोविंसेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्री. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हम बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं, क्योंकि हमने सेवरल जो प्रोविंसेस हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज से लिया हुआ है. तो जो सोर्सेज हैं हमने जैसे बताया वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसे बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, और इसको लिखने के लिए टोटल मतलब पूरा फाइनलाइज करने के लिए 2 years, 11 months and 18 days लगे थे. ठीक है, तो ये सारे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपसे पूछा जाता है कि विच अमेंडमेंट एक्ट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था. ठीक है, तो इट चेंज्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ऑल्सो चेंज्ड द वर्ड यूनिटी ऑफ नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या से क्या चेंज हो गया. यहाँ पे सोशलिस्ट और जो सेक्युलर वर्ड है उसको ऐड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे यूनिटी था, यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कर दिया गया. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए ये. ठीक है, तो इस स्लाइड से ये सारे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा आप ये सबको. तो जैसे कि हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था. ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी डिफरेंट मीटिंग्स हुई थी. ठीक है, कमिटीज़ बनाई गई थी, तो वो सारी कमिटीज़ यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दी गई है. तो यहाँ पे आपको सारे आप अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बता रही हूँ, उनको तो आप डेफिनेटली ही पढ़ लीजिएगा. तो इनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमिटी, और इसके चेयरमैन बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर. ठीक है, तो आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे B.R. अम्बेडकर. इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, ये दोनों तो आपको डेफिनेटली अच्छे से मन में याद रख लेना है. ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी. इसके अलावा फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सब आप याद रख सकते हैं अगर आप रख सकते हैं तो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये रेड पॉइंटर्स हैं ये आपको अच्छे से याद रख लेना है. तो ये थे वेरियस कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट, द स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर बेसिस है, यानी कि जितने भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है, और जो बाकी कुछ कुछ हैं वो हमने डिफरेंट कंट्रीज से ली हुई हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट ऑफ 395 आर्टिकल 250 आर्टिकल्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, और ये जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जस्ट आप एक बार रीड कर लीजिए इसको. इसके अलावा अभी हमारे पास द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 448 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 4 अपेंडिसेस. ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट भी एक बार याद रख लेना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. अगर आपको ये चेंज करके दे दिया गया तो आप नहीं वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो प्लीज़ इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए. ये 25 है, 448 है, ये 12 है. ठीक है, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम चलते हैं MCQ की तरफ. तो हम अब MCQs को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आपको मैं इसका एक ब्रीफ, सारे जो सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आपको दे दूंगी, तो इससे आपको बहुत इजीली यहाँ पे याद हो जाएगा.
और जहाँ जहाँ पे ट्रिक्स है मैं आपको ट्रिक्स भी बताते जाऊँगी, तो पूरे वीडियो का आप देखिएगा एंड तक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयरलैंड, तो आपको आयरलैंड से कैसे याद रखना है, डी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ई एल जो है इलेक्शन है राज्यसभा इलेक्शंस, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और एन जो है वो है नॉमिनेशंस। तो एक ये जो है एक छोटा सा बस ट्रिक है याद रखने का, अगर आप चाहते हैं तो इसे अप्लाई करिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया आयरलैंड, तो डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ई एल है इलेक्शन और एन है नॉमिनेशन, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आयरलैंड से कौन कौन से लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट द रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम, तो जो रूल ऑफ लॉ है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेजर पार्ट लिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरेगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाईकैमरलिज्म। तो ये सारे जो हैं हमने लिए हैं फ्रॉम यूके। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कुछ जगह पे ऑप्शंस में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट दिया जाता है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट दिया जाता है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो आप ये वाला नहीं है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट वॉज बोरोड फ्रॉम, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रॉम USSR, तो USSR क्या है, रशिया। तो जो इम्पीचमेंट है इसको लिया गया है फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज फ्रेम्ड फ्रॉम, तो जो प्रेम्बल में लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रेटर्निटी FR है तो फ्रांस से लिया गया है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज बोरोड फ्रॉम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आयरलैंड, यहाँ पे डी क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आयरलैंड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी। नेक्स्ट द फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर वॉज बोरोड फ्रॉम, तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है फ्रॉम कैनेडा। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट को लिया गया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सेम फिर से आ गया आयरलैंड, डी क्या था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ई एल क्या था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन क्या था नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आयरलैंड। तो आपको ध्यान में रखना है आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्सेज हैं वो, और उसके बाद यूके, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत एग्ज़ाम्स में ये दोनों ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों तो बहुत अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी वॉज बोरोड फ्रॉम, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रॉम जर्मनी। तो जर्मनी नाम में आप देख सकते हैं थोड़ा एमरजेंसी के वर्ड्स हैं यहाँ पे, जस्ट आप इस तरीके से याद रखिए जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा होगा, तो ये जो है एमरजेंसी और जर्मनी थोड़े एक टाइप के वर्ड्स हैं, तो इसलिए आप इस तरीके से जस्ट याद रखिए। नेक्स्ट फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज टेकन, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रॉम जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये लिया गया है रशिया।
ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों अलग हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर टेकन। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रॉम US, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, US से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ लिया गया है फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टेकन फ्रॉम UK कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने UK के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी पढ़ा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारे जो हैं UK के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम इलेक्शन नॉट नॉमिनेशन, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे नॉमिनेशन जो था हमने पढ़ा आयरलैंड से लिया गया था, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया गया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 26 नवंबर। तो क्या आप बता सकते हैं 26 नवंबर को हुआ क्या था, पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया था इन 1949, ठीक है। तो इस दिन को मनाया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इसके साथ ही ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ B.R. अंबेडकर, जिसको हम जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर एग्ज़ाम में हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा B.R. अंबेडकर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने का नहीं है, यहाँ पे फादर हो या आर्किटेक्ट, तो आपको ध्यान में रखना है ये बात। नेक्स्ट, हाउ मैनी मिनिमम सीट्स वर केप्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रिंसली स्टेट यानी कि जो इंडियन स्टेट्स थे उनको कितने सीट्स दिए गए थे, तो देखिए टोटल हमारे पास 389 सीट्स थे इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कि 296 जो थे वो ब्रिटिश गवर्नर्स और वहाँ के कमिश्नर्स को दिए गए थे, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स या फिर इंडियन स्टेट्स को दिए गए थे, ठीक है। तो जो इसका आंसर है ये हो जाएगा 93। तो ये एग्ज़ाम में आ चुका है, आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेंस्ड इट्स बिजनेस विथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो ये थे यहाँ के प्रेसिडेंट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज़ वेस्टेड विथ। तो इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी किसके पास होती है, यानी अथॉरिटी कौन है इसकी, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लीगल सॉवरेनिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर फॉर्म ये तो ज़रूर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा नहीं है, हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम। तो 5-year प्लान्स जो थे ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाए गए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये लाए गए हैं फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ हैंड रिटन बाय। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ हैंड रिटन बाय, तो ये जो है लिखा गया है बाय प्रेम बिहारी रायजादा। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन मतलब हाथों से लिखा है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस। तो हमने यहाँ पे आपको ब्रीफ फॉर्म में सारे कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लिया है, कैनेडा से लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, एडवाइजरी ज्यूरिक्शन, ये सारे हैं फ्रॉम कैनेडा। आयरलैंड के हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, आप जस्ट देख लीजिए,
जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यूएसएसआर से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। फिर यूके से लिया है ये सारे, एक बार आप जस्ट पढ़ लीजिए इनको। यहाँ पे बाइकैमरलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और रूल ऑफ लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूएस गवर्नमेंट, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। जर्मनी से लिया गया है क्या, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, मैंने आपको बताया था एमरजेंसी जैसा वर्ड है ये। और अगर आपको वहाँ पे जर्मनी के बजाय वेमार कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वेमार जो है जर्मनी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है। और फ्रांस से लिया गया है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रेम्बल और रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हैं बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे सोर्सेज हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन अब छूटे हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेम्बर नहीं थे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एच सी मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन है जो नहीं थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका जो ये सीरीज़ है ये चलता रहेगा, आपको 100 टॉपिक्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोस को वॉच करिए। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।